तो दुमका जिले के जरमुंडी ब्लॉक के आदिवासी बहुल सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में गांव के बच्चे दीवारों पर बनाए गए ब्लैक बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं। वहीं गांव की गलियों में ही दीवारों पर बनाए गए ब्लैक बोर्ड पर यहां पर अब बच्चे अपने मन के अनुसार उत्साह के साथ पढ़ाई करते रहते हैं। दीवारों पर बनाए गए ब्लैक बोर्ड और वर्णमाला चित्रों से खेल खेल में बच्चे बहुत कुछ सीख भी पाते हैं। कोरोना महामारी के कारण पूरी दुनिया में स्कूल कॉलेज बंद है। जिस प्रकार से आप जानते हैं कि 2020 में भी पूरे विश्व में लॉकडाउन की घोषणा हुई, हमारे देश में भी लॉकडाउन की घोषणा हुई, जिस कारण स्कूल कॉलेज बंद हो गया। और हमने अपने आइडिया से 2020 में भी घर की दीवारों पर ही ब्लैक बोर्ड बना करके, अल्फ़ाबेट बना करके बच्चों को यहाँ पढ़ाया। लेकिन ये दूसरा जो लहर आया, ये काफ़ी भयावह स्थिति थी। हम बच्चों को उसके द्वार पर आकर के शिक्षकों के साथ में, उसके साथ में अटैचमेंट के साथ में पढ़ाना संभव नहीं था। लेकिन हमारा जो इनिशिएटिव है कि बच्चे खुद यहाँ पढ़ सकते हैं, बच्चों के लिए कोई टाइम नहीं है कि किस समय बेटा अब तुमको पढ़ना है, कब तुमको स्कूल में आना है, इसके लिए वो स्वतंत्र है कि जब उसको मन होता है बच्चे अपने घर के गली में अपने द्वार पर वो आता है। और कोरोना का जो कोविड का जो नियम है, कोविड-19 का जो नियम है, उसका पालन करते हुए बच्चे भी यहाँ मास्क लगाते हैं, सभी गांव के लोग भी मास्क लगाते हैं। अपने द्वार पर ही बहुत ही सुंदर तरीके से हर यहाँ हिंदी में, अंग्रेजी में चित्र बना हुआ है, अल्फ़ाबेट बना हुआ, वर्णमाला बना हुआ है, ब्लैक बोर्ड बना हुआ है, बच्चे चित्र बनाते हैं, पढ़ाई का गणित, हिंदी, जो भी होता है मन में वो लिखता है। वो खुश हैं, हमारे बच्चे गाँव में ही पढ़ता है, द्वार पर अपना दीवार में ब्लैक बोर्ड बनाया है हम लोग 2020 में सपन सर के आइडिया से, और बच्चा लोग उसी में पढ़ता है और अभी भी हम लोग का बच्चा पढ़ रहा है। जब भी मन होता है बच्चा लोग वहाँ ब्लैक बोर्ड में लिखा हुआ रहता है ABCD और दो अक्षर का शब्द भी लिखा हुआ रहता है, उसको आकर के अपने मर्जी से पढ़ता है और काफ़ी खुश है इसके लिए। हम लोग का काफ़ी गरीब आदमी है, हम लोग का के पास में स्मार्ट मोबाइल फ़ोन भी नहीं है, बच्चा सब पढ़ाने के लिए दिक्कत हो रहा है, इसलिए ब्लैक बोर्ड दीवार पर बना के ही सपन सर का आइडिया से बच्चा लोग पढ़ रहा है, हम लोग काफ़ी खुश हैं। हम लोग यहाँ स्मार्ट मोबाइल हमारे पास नहीं होने के कारण अपने दीवार में ब्लैक बोर्ड बनाकर पढ़ते हैं। सभी गांव वाले के सहयोग से हम अपने सभी बच्चे अपने अपने घर के दीवार में ब्लैक बोर्ड बनाकर पढ़ते हैं। जब मन हो पढ़ाई का पढ़ते हैं, जब मन हो खेलने का खेलते हैं, सोशल डिस्टेंस का पालन करते हैं, मास्क लगाते हैं और सभी बच्चे के अपने अपने पास ब्लैक बोर्ड है, अपने चौक है, डस्टर है, सब कुछ अपने अपने बच्चे के पास। सभी बच्चे अलग अलग होके बैठते हैं और रोज़ पढ़ते हैं। बहुत खुशी हो रहा है कि हम लोग यहाँ अपने अपने ब्लैक बोर्ड में। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सुतिब्रो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुतिब्रो, दुमका जिले के जरमुंडी ब्लॉक की यह पूरी खबर है जहां पर बच्चे दीवारों पर बनाए गए ब्लैक बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं। गांव की गलियों में ही दीवारों पर यहां पर ब्लैक बोर्ड बना दिए गए हैं जिस पर बच्चे अपने मन के अनुसार यहाँ पर पढ़ाई करते हैं। जी बिल्कुल, ये खबर दुमका जिला के जरमुंडी प्रखंड के अंतर्गत दुमरथर विद्यालय का है, जहाँ पे 2020 पे कोरोना काल पे ही ब्लैक बच्चों को पढ़ाई के लिए वो बाहर नहीं जा पा रहे थे और स्कूल नहीं जा पा रहे थे और उन लोग के पास स्मार्टफोन नहीं होने के कारण वो लोग ऑनलाइन पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे थे। तो जिसके कारण डॉक्टर सपन कुमार जो दुमरथर विद्यालय के प्रधानाध्यापक है, उन्होंने ये एक आइडिया निकाला और ये मतलब गाँव के जितने भी दीवार है उसी पर ब्लैक बोर्ड बना डाला, जिसके कारण बच्चे उस पर पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, चित्रकला कर रहे हैं और साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ उन्हें रंग बिरंगा खेल कूद, हाथ से बनाने के लिए झाड़ू वगैरह, डस्टर, चौक कैसे बनाया जाता है, ये सब भी सिखाया जा रहा है। जी बिल्कुल सुदीप्र, जो तस्वीरें हम टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन तस्वीरों को देखकर ये भी कह सकते हैं कि जो ब्लैक बोर्ड बनाए गए हैं सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए बीच में दूरी भी रखी गई है, तो ये भी कह सकते हैं कि अच्छी पहल है ये, ताकि बच्चे जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, वो इस तरीके से बैठ के अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा गया है। जी बिल्कुल, सोशल डिस्टेंसिंग का इस पर ख्याल रखा गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मन की बात पे दुमरथर विद्यालय का चर्चा किया था और इसके तर्ज पे आज जरमुंडी प्रखंड के कई विद्यालय है जिनमें इसी तरह का आइडिया को यूज करके दीवारों पे ब्लैक बोर्ड बना के पढ़ाया जा रहा है। जी
इसके एक और सवाल आपसे यहाँ पे सुतिब्रो, जिस तरीके से तमाम बच्चे यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए पहुंच रहे हैं, इनके अभिभावकों से आपकी बातचीत हो पाई है? अभिभावकों का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर? अभिभावक इस पे बहुत खुश है कि घर के पास ही बच्चे पढ़ रहे हैं, ऊपर से गार्जियन भी इन पे नजर बनाए हुए हैं कि बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, कैसा पढ़ाई हो रहा है। गार्जियन बहुत खुश है कि आदिवासी गांव होने के कारण बच्चों लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है, तो वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे ऑनलाइन, तो जो प्रधानाध्यापक है उनके आइडिया के कारण आज बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं और रंग बिरंगा चीज बनाना, खेलना कूदना और रंग बिरंगा चीज सीख रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया सुतिब्रो इस पूरी खबर पर तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ब्लैक बोर्ड से बच्चे कर रहे हैं पढ़ाई और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल भी इसमें बखूबी रखा गया है।